नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति करदाता जिन्होंने अब तक संपत्ति कर जमा नहीं किया है, ऐसे करदाताओं को निगम से छूट नहीं मिलेगी। निगम हर साल करदाताओं को छूट का लाभ देता है। जनवरी से यह छूट समाप्त कर दी गई है। टैक्स की पूरी राशि 31 मार्च तक जमा करने का समय है। 1 अप्रैल से 18% अधिभार वसूला जाएगा। जिन करदाताओं ने इस वर्ष का टैक्स जमा नहीं किया है उनके पास अभी समय है, लेकिन जिन्होंने पिछले साल या इसके भी पिछले साल का टैक्स जमा नहीं किया है उन करदाताओं को पेनाल्टी देनी होगी। इसकी जानकारी नगर निगम के PRO PC शर्मा ने दी। देखिए, संपत्ति कर में छूट जनवरी से जो वित्तीय वर्ष होता है, जैसे मान के चले कि जैसे मार्च अकाउंट खत्म होता है उसके बाद से अप्रैल से ही छूट का जो सीमा होता है वो चालू हो जाता है। और छूट जो है वो अप्रैल में और मई में मिलता है 6.25%, उसके बाद में 5% आपको उसके 2 महीने बाद मिलेगा, उसके बाद अगले 2 महीने बाद 4%, अगले 2 महीने बाद में 2%। तो उसका एक दायरा है, एक सीमित दायरा में छूट का प्रावधान है जिसके तहत में छूट मिलता है। और उसके बाद में यदि कोई समय सीमा में नहीं पड़ा पाता है या संपत्ति कर में लेट लतीफी होती है और वित्तीय वर्ष में उसको संपत्ति कर का टैक्स जमा करना है वो नहीं जमा करता है तो निश्चित रूप से वो अधिभार भी देना पड़ता है। सर, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितने जल्दी आप समय में आप टैक्स पटा दें उतना ही आप अधिभार से बचते हैं, दूसरा आपको छूट का लाभ मिल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो आपका बकाया राशि होगा पिछले वित्तीय वर्ष का या फिर उससे पूर्व वाला, वो सारे टैक्सेशन जमा करने ही नहीं तो पेनाल्टी की अवधि पड़ी रहती है, कुर्की का खतरा हो जाता है। इसके अलावा जो है, यदि आप वित्तीय वर्ष को छोड़ दें, जैसे अभी मार्च के बाद में अप्रैल से यदि हम इसको चालू करते हैं तो अप्रैल से आपको 6.25% छूट मिल रहा है। उस दरमियान में आप संपत्ति कर पटाते हैं तो आपको फायदा है क्योंकि आपको छूट का प्रावधान मिल रहा है। उससे आगे आप जाते जाते हैं तो छूट का प्रावधान जो है धीरे धीरे वो छूट में कमी आती जाती है। 6.25 के बाद 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में छूट भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में आपको अधिभार जब साल भर खत्म हो जाएगा तो 18% जो अधिभार देना पड़ता है वो आपको देना पड़ेगा। इसलिए तो जितना जल्दी आप हटा दें तो उतना ही आप फायदे में है। तो मेरी अपील तो यही है कि आप जितना जल्दी संपत्ति कर अदा कर दें, जितना जल्दी पटा दें उतना ही आप जो है आप दायरे में, छूट के दायरे में आ जाएंगे और आपको फिर अधिभार और टैक्सेशन और कुर्की और अन्य जो नोटिस हैं और वो उन सभी से आप बच सकते हैं।